देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ जो कि पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि 21 नवंबर से पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में बर्फीली पहाड़ों से बर्फीली ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड राज्य के भी ऊपरी इलाकों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान की बात करें तो लगातार हिमालयी क्षेत्रों से ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे कि मैदानी राज्यों राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर में तापमान में लगातार गिरावट भी जारी है। पूरे इलाके में रात्रि का तापमान नीचे गिरता जा रहा है। दक्षिणी भारत में कम दबाव की प्रणाली जो कि चेन्नई और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में आज भारी बारिश ला सकती है। चेन्नई के आसपास तेज आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है। दक्षिणी भारत की बात करें तो तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में अब बारिश की संभावना है। आज फिर से शुरू होने वाली बारिश जो कि शुरू में हल्की होगी, बाद में तेज होने की भी संभावना है। यह लगभग पूरे सप्ताह तक बनी रह सकती है। 21 और 22 नवंबर को चेन्नई चेंगलपेट कांचीपुरम तिरुवल्लूर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। भारी बारिश होने की संभावना इसीलिए बनी हुई है कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव जो कि पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक अवसाद के रूप में बदल जाएगा। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बंगाल को पार करने की भी उम्मीद है और अगले 3 दिनों तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच तट पर यह एक्टिव बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। इसके बाद में एक बार फिर से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी।